अभी मूँगफली को ज़मीन से निकाले हुए तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। इस दौरान बारिश का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन यह है कि अभी ये मूँगफली जो है ना खुशक हो गई है, तो खुशक होने के बाद इस तरह फिर हमने ढेर लगा दिए। अभी ये ढेर लगे हैं सारे ज़मीन में, तकरीबन वक्फे वक्फे पर ढेर लगे हुए हैं, तो अभी हम इनको थ्रेशिंग करेंगे। ये इसका आखिरी मरला होगा, ये देखें सारी ज़मीन में ये वक्फे वक्फे से ढेर लगाए हैं। इस दफ़ा हमारी किस्मत ख़राब थी कि हमने जिस दिन ढेर लगाए हैं उस दिन रात को बारिश आ गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मूँगफली जो है ना काली होने से बच गई है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती तो फिर जो है ना ये मूँगफली का कलर जो है ना बाहर से वो ब्लैक हो जाता है। ये देखें हमने पहले ढेर पर थ्रेशिंग शुरू कर दी है। इस दफ़ा फसल बहुत अच्छी थी, ज़मीन में पौधे बहुत अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो तकरीबन अच्छा नहीं आ रहा। ज़्यादातर मूँगफली के दाने जो है वो ज़मीन के अंदर ही रह गए हैं, जो हमें अगले मरले में फिर वो चुनाई करानी पड़ेगी लेबर लगा के, जो कि ज़मीन के अंदर मूँगफली को तलाश करेंगे। पहला ढेर अभी हमने शुरू किया है, आगे तकरीबन 10 ढेर इस तरफ रहते हैं और बाकी कुछ इस तरफ। ये मजदूर जो अभी थ्रेशर के ऊपर खड़ा हुआ है और मूँगफली के पौधे अंदर इसके फेंक रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक काम है, लेकिन ये लोग तजर्बाकार होते हैं, बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन बाद का फिर भी कोई ना कोई हादसा हो जाता है।
व्यूवर्स देखें मजदूर कितनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मुश्किलात इनको पेश आ रही हैं, लेकिन ये रिस्क हलाल के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। ये व्यूवर्स एक तरफ मूँगफली के दाने साफ होकर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ ये इसके जो मूँगफली के पौधा है वो दूसरी साइड पर उसका घास फूस बनकर निकल रहा है। तो ये माल मवेशी के काम फिर आता है, लेकिन अल्लाह पाक ने खेत में जितना इंसानों के लिए रिज़क रखा है उतना जानवरों के लिए भी रखा है। जानवर भी अल्लाह के मखलूक हैं। इसको बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही मज़े से खाते हैं और इसके साथ कोई खाद भंडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको ऐसे ही उठा के डाल दें तो बड़े मज़े से ले लेकर खाते हैं और सर्दियों में इनको ये गर्म भी रखता है, क्योंकि मूँगफली बुनियादी तौर पर गर्म चीज़ है। माशाल्लाह इस वक्त मूँगफली की थ्रेशिंग का काम जारी है और बहुत ही बखैर खूबी काम अंजाम दे पा रहे हैं मज़दूर लोग। ये मज़दूर अभी बहुत ही जोश में आ गए हैं। ये मज़दूर जब काम कर रहे होते हैं और जब बहुत थक जाते हैं तो फिर एक आध मज़दूर दूसरों को जोश दिलाने के लिए कोई ना कोई बात करता है, जिससे फिर वो शुगल में आ जाते हैं और बहुत ही ख़तरनाक ये काम करते हैं। इसमें डर भी होता है कि कहीं कि मज़दूर का किसी का नुकसान ना हो जाए, लेकिन ये लोग समझाने के बावजूद भी अपना शुगल जो है करने से बाज नहीं आते। अभी रिलैक्स हो गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम जारी है। ये बंदा जो थ्रेशर के अंदर मूँगफली के पौधे डाल रहा है इसका नाम सदाकत है और ये इस काम में बहुत ही माहिर और तजर्बाकार है और ये 13-14 घंटे लगातार थ्रेशर पर काम कर सकता है। तो आज स्पेशली मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी कि यार आज हमारा थ्रेशिंग का काम है तो आपने आना है। तो माशाल्लाह नौजवान आदमी है, गर्म खून है और अपने काम से बहुत मुखलिस है। शुरू में तो मैंने इसको थोड़ा समझाया था, मैंने कहा यार ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, मशीनरी का काम है, कुछ पता नहीं चलता किसी बंदे का हाथ से इतना आ जाए, लेकिन ये अपनी रूटीन पर भी चलते हैं। 9 बजे शुरू हुए थे और अभी तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं। तो ये मज़दूर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और ये सदाकत लड़का जो है ये पिंडसराल का रहने वाला है और ये कंटिन्यू हमारे साथ चल रहा है और अल्लाह पाक खैर खरीत से हमारे काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। पैदावार गो के मेरी तवक्को से बहुत ही कम निकल रही है, लेकिन अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। मूँगफली की फसल अटक में काफ़ी तादाद में होती है तो सोचा कि आपको इसके बारे में कुछ मज़ीद जो मालूमात है वो दे दूँ कि मूँगफली का फसल जब पककर तैयार हो जाता है तो उसको किन किन मरहल से गुजारते हैं। आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ इसको आपने आखिर तक देखना है और इसके सारे मरले देखने हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसका। तो मूँगफली की जो फसल है ये रेतली या हल्का मेरा ज़मीन पर जो है वो काश की जाती है। ज़िला अटक के तहसील जंड, तहसील पिंडगेब और इससे मुलाकात तहसील तलगंग में किसान काफ़ी दाइयों से मूँगफली की काश्त को अवलियत देते हैं। मूँगफली की फसल
गुज़श्त साल की नस्बत इस साल काफ़ी तादाद में काश्त हुई थी, लेकिन बारिशें कुछ ज़्यादा होने की वजह से फसल ख़राब हो गई है। कुछ फसल जो है वो ज़मीन के अंदर रह गई है और व्यापारी हजरात जो हैं वो पिछले साल के रेट पर ही किसानों से धड़ाधड़ फसल ख़रीद रहे हैं। किसानों के पास फसल को महफूज रखने के नाकाफ़ी वसाइल की वजह से जो है मिडल मैन के हाथों किसान लुट रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मूँगफली की भुनी हुई रेड़ियाँ जगह जगह आपको नज़र आती हैं और लोग इसको बड़े ज़ोक शौक से खाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। जब एक दफ़ा खाना शुरू कर दें तो किसी का हाथ फिर रुकता नहीं है कि जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। मूँगफली अपने अंदर बहुत ज़्यादा गज़ाइयत रखती है, इसमें विटामिन ई, डी और कैल्शियम की काफ़ी मकदार पाई जाती है जो कि सेहत के लिए बहुत ही गज़ाइयत बख्श है। तो जो कमज़ोर हज़रात हैं, दुबले पतले अफराद या बॉडी बिल्डर हज़रात हैं, तो वो अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मूँगफली जो है ये सरतान जैसी बीमारी में भी मुफीद है, लेकिन ये है कि हर चीज़ का एक इतदाल होना चाहिए। ज़्यादा मूँगफली खाने से स्किन वगैरह पर खारिश वगैरह भी हो सकती है, तो इसको जो है एक हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िला अटक में तहसील जंड, तहसील पिंडी केप और इसके साथ मुलाका तहसील तलागंग और डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मूँगफली की फसल काफ़ी तादाद में काश्त की जाती है। व्यूअर्स, मैं आपको ग़िज़ाई एतबार से ये बताता चलूँ कि मूँगफली किसी तरह भी सेब, चिकंदर, गाजर ज़्यादा इसमें जो है ग़िज़ाइयत होती है। सर्दियों के लिए अहम सौगात है और ये गरीबों का बादाम भी है, लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि इस पे अखराजात आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई है और रेट जो है वो पिछले साल वाला ही किसान को मिल रहा है और मिडल मैन जो है वो दोनों हाथों से किसान को लूट रहा है। हमारा मूँगफली का काम तकरीबन इस वक्त ख़त्म हो चुका है और मूँगफली जो है वो हम बोरियों में डाल के घर ले गए हैं। यहाँ पर खुशक वगैरह करके साफ़ करके और उसकी जो तूड़ी वगैरह बच गई है यहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारे जानवरों के लिए एक साल का राशन है और अभी इसको हम इस तरह इकट्ठा करके ऊपर तरपाल वगैरह दे देंगे ताकि बारिश वगैरह से महफूज रहे। तो सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उस वक़्त तो माल मवेशी के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होता। ये अभी आप लोग व्यूअर्स देख रहे हैं कि ये खेतों के किनारों पर आग लगी हुई है। ये किसान हजरात इस तरह करते हैं कि जो ज़मीनों में घास फूस होता है उसको ये आग लगाते हैं। मेरी तमाम काश्तकार हजरात से, किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको घास फूस को तलफ करने का कोई और तरीका अख्तियार किया करें, आग वगैरह ना लगाया करें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जानदार होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो वो बेचारे जल जाते हैं। मेहरबानी करके इसको तलफ करने का कोई और तरीका अख्तियार किया करें ताकि जो है जानदार चीज़ें जो हैं वो बच जाएँ। कुछ तो भाग जाती हैं लेकिन कोई ना कोई चीज़ लाजमी आ जाती होगी। घास के ऊपर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा की तादाद में होते हैं। किसान अक्सर जो है ना घास फूस को आग लगा देते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये खेत है, खेत के किनारे ये एक किसान ने आग लगाई हुई है। मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा पैगाम जो है किसानों तक पहुँचा देते हैं। असल में बात यह है किसानों को इस बात का शऊर ही नहीं है। अभी मेरा उनसे ये उनको पैगाम है तो मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ किसानों की समझ में ये बात आ गई नेक मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।